राम राम अध्याय तेरा का अध्ययन करेंगे थोड़ा गंभीर तो है लेकिन बहुत ज्ञान देने वाला है और बहुत सारी बातों को बहुत विस्तार से श्री कृष्ण ने इसमें समझाया है आइए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। सब लोग आनंद करेंगे गाएंगे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा पर परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुदेव दया दो दीनन को शरणगत लो मेरे जीवन को गुरुदेव दया सहारा हो गुरुवर जीवन के दौरा है एक तुम ही सहारा हो गुरुवर जीवन के इस सिरा है पर एक तुम ही सहारा shikha do anbhan ko करते हैं भगवान अपनी बात को जारी रख रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह जो हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगी भगवान कहते हैं शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं श्लोक दो को भी समझना जरूरी है इसके साथ साथ है। उसको भी मैं पढ़ हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थार्थ जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थार्थ विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है ऐसा मेरा मत है क्षेत्र क्यों कहा है यह पूरी धरती एक क्षेत्र है यह सबके काम की बात है चाहे आप विद्यार्थी हो खाना बनाते हो जॉब करते हो सबके काम की बात है ये पूरा जो शरीर है ये क्षेत्र है इसमें कुछ बीजों का रोपण किया जाता है संस्कार नाम उसको है ठीक उसी तरीके से जैसे धरती में यदि आपको कोई वृक्ष चाहिए तो उसके बीजों का रोपण करते हैं फिर उसकी सेवा श्रूषा करते हैं खाद पानी आदि देते हैं माहौल देते हैं और वह धीरे 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 वृक्ष बढ़ता है ठीक इसी तरीके से हमारा मस्तिष्क है हमारा शरीर इसमें जैसा हम बीज डालेंगे और जो बीज डाल के उसको हम उसका हम पालन पोषण करेंगे ठीक वैसा ही हमारे अंदर से वृक्ष उत्पन्न होगा विद्यार्थियों की मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल हमने एक बहुत लंबा सा टाइम टेबल बनाया एक बड़ा अच्छा सा लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन जो बीज हमने डालने थे अपने मस्तिष्क में वो नहीं डाले या बीज डाले भी तो हमने उसका पालन पोषण नहीं किया यानी उचित खाद आदि नहीं दिया यानी अनुशासन से पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं की नोट्स नहीं बनाए डिस्कशंस नहीं किए रिवीजन नहीं किया उसके मर्म को तो नहीं समझा यानी उसका एनालिसिस नहीं किया तो वह बीज उस क्षेत्र के अंदर बेकार हो जाएगा जीने को सब जी लेते बायोलॉजिकल लाइफ है सब जी लेते सब सबको बायोलॉजिकल लाइफ तो मिलती है लेकिन जो व्यक्ति जितना उचित बीज डालता है और जितना उचित उसका लालन पालन करता है जो वृक्ष है वह उतना ही पुख्ता उतना ही मजबूत उतना ही बड़ा उतना ही सौंदर्यवाद होता है दूसरा उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो वह अपने व्यापार के संस्कार उसमें डालते हैं यानी कितना उसका एनालिसिस करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं खोजबीन करते हैं नई नई चीजें निकालते हैं क्या चीज मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी आदि आदि ये सब वह इस क्षेत्र में डालते हैं और फिर उसका लालन पालन करते हैं उसको माहौल देते हैं लगातार प्रयत्न करते हैं खाद पानी आदि देते हैं और जितना अच्छा वह खाद पानी है विश्लेषण है उतना ही अच्छा वह बीज बनेगा और जितना अच्छा हमारा कर्म है उतना ही वो वृक्ष बन के पुष्पित पल्लवित होगा एक और उदाहरण से समझते हैं मान लीजिए खाना बना रहे सामान्य सी बात है जितने अच्छे उसमें मसाले होंगे और मसालों की क्वांटिटी जितनी संतुलित होगी तो मतलब ऐसा नहीं कि नमक बहुत अच्छा है तो नमक ही डाल दिया है एक कटोरी सब्जी में एक किलो मान लीजिए घी बहुत अच्छा है तो उसका मतलब यह नहीं कि घी हमने बहुत सारा उड़ेल दिया उसके अंदर और इसका फैसला विवेक के अनुसार करना पड़ेगा अनुभव भी आपको वह सिखाएगा तो आप संतुलित अवस्था में वो श्रेष्ठ सामग्री भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं मेहनत करते हैं खड़े रहते हैं उसको चलाते हैं बार बार उसको देखना पड़ता है कभी पानी कम हो गया तो पानी बढ़ाना है फिर उसकी गार्निशिंग करते हैं तो वो स्वास्थ्य देने वाला होता है तो वो और अच्छा निखर कर आता है उसको खाने से मन और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं घर में खुशियां आती हैं तो हर चीज में ये फॉर्मूला लगता है, और इन भी चीजों में जो तत्व है वो कौन है आप जितना सात्विकता से भोजन बनाएंगे प्रभु को प्रभु का नाम लेकर प्रभु का भोग तैयार करना है उसमें से हमें जो हमारे हिस्से का प्रसाद है वो मिलेगा ज्यादातर तो हमें मिलेगा प्रभु तो कुछ लेते नहीं है तो जब आप उस मानसिकता के साथ अपना भोजन तैयार करेंगे तो भोजन अधिक स्वादिष्ट होगा पता नहीं उसमें क्या आता है लेकिन यह तय है कि वो भोजन अधिक स्वाद देता है वो भोजन अधिक पौष्टिक होता है और मैं इस बारे में ये बिल्कुल नहीं करूंगा वैज्ञानिक भी इसे मानते नहीं मानो हमने अपने अनुभव से जाना है ये चीज हम भी तो वैज्ञानिक है हमने भी उसको एक्सपेरिमेंट किया है बहुत अच्छे मसाले बहुत अच्छी सोच बहुत अच्छा संतुलन ये उत्तम भोजन प्रदान करता है जिससे मन और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं तो हर जगह ये बीज और क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है स्त्री के गर्भ में जो संतान आती है बीज परिणाम है क्षेत्र क्या है माता का शरीर जितना वह शरीर पुष्ट होगा मैंने अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बहुत वर्ष पहले मैं बीज के माध्यम से ही पेरेंटिंग समझाता था के बहुत सारे वीडियोज भी होंगे अखबारों में भी वो सीरीज पूरी निकली थी भास्कर में तो वह माता का जो क्षेत्र है वह जितना पुष्ट होगा बच्चा उतना पुष्ट होगा माता की सोच जितनी अच्छी होगी बच्चे की सोच उतनी ही अच्छी होगी माता का शरीर जितना रसायन जो ऊपरी रसायन होते हैं ऊपरी रसायन से रहित होगा जो आवश्यक रसायन है वो तो अलग बात है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऊपरी रसायन से रहित होगा वह शरीर उतना पुष्ट होगा वो बच्चा उतना पुष्ट होगा आजकल आप देख रहे होंगे एक चीज आप सभी ने नोट की होगी कि जिन बच्चों का जन्म हो रहा है सामान्यतः ज्यादातर बच्चे उसमें से खासतौर से अर्बन एरिया के बच्चे हाइपर हैं ठहरते नहीं है इधर उधर कूद फान तोड़ पाड़ चीख पुकार ये सब कर रहे हैं बच्चे हमेशा से चीख पुकार हम भी बच्चे थे हम भी करते थे लेकिन वो एक अजीब सी बेचैनी वाली चीख चिल्लाहट वो बढ़ रही है ऑटिज्म बढ़ रहा है डिसलेक्सिया बढ़ रहा है यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि बीज भी कमजोर है यानी पुरुष भी अनर्गल चीजें खा रहा है स्मोकिंग कर रहा है मानसिकता भ्रष्ट है उसके अंदर भी वही बेचैनी भाव है वही छीनने का भाव है मैं कर लू वाला भाव है मैं हूं वाला भाव है इसको भी श्री कृष्ण आगे समझा रहे हैं इसलिए मैं उसकी भूमिका बांध रहा हूं। मैं दिख जाऊं मैं चमक जाऊं मैं पा जाऊं मैं खा जाऊं वह भाव है अति का महत्वाकांक्षी है तो बीज में विकृति है बीज में उपयुक्त तत्व नहीं है क्योंकि भोजन विषाक्त है उस पर तो सबका बस नहीं है अब उसमें क्या कर सकते हम तो लौकी ही खा रहे थे लेकिन उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। अब क्या करें कहां से खेत बनाएगा हर व्यक्ति लेकिन मानसिकता में तो परिवर्तन कर सकते हैं ना अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिले अच्छी बातें करें त्याग की भावना हो प्रभु की साधना हो तो बीज पुष्ट होगा जब बीज पुष्ट होगा तो पावर जो है वह निहित होगी एक बीज में वृक्ष छुपा होता है और उसको जब उपयुक्त क्षेत्र मिल जाएगा एक पुष्ट क्षेत्र मिल जाएगा यानी गर्भ उसमें उचित जल हो उचित श्वास हो अब उसमें भी आजकल देख रहे हैं कि बहनों में बच्चियों में भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये हैबिट्स बन रही है लिबरलिज्म के नाम पर उनका शरीर अलग किस्म का बना हुआ है यद्यपि ये, मैं ये नहीं कह रहा कि यह पुरुषों के लिए उचित है पुरुषों के लिए भी अनुचित है स्मोकिंग करना नशा करना घोर अनुचित है और स्त्रियों के लिए भी ये घोर अनुचित है लेकिन पुरुष थोड़ा नुकसान करता है स्त्री के घर में एक वंश होता है उसके घर में एक संतान होती है जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है जो समाज के लिए आवश्यक केवल परिवार के ही लिए नहीं राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है वो होता है और इसलिए वो डैमेज ज्यादा बड़ा है ठीक उसी तरीके से माता पिता एक बार को सही पेरेंटिंग ना कर पाए तो थोड़ा ही डैमेज होगा लेकिन एक शिक्षक अपने रस्ते से भटक जाए तो बहुत बड़ा डैमेज होगा क्योंकि वो जेनरेशंस की जेनरेशंस तबाह कर सकता है अगर उसकी मान लीजिए तीस साल की नौकरी है और हर साल वह बीस बच्चे पढ़ा रहा है तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान उसने कर दिया 600 बच्चे यानी छसो जेनरेशन अगर हम उसको वर्टिकली ना लेके हो ले तो 600 परिवार परिवार कह लेते हैं जनरेशन की जगह तो 600 परिवार दूषित कर दिए उनके दिमाग में अनर्गल बातें डाल दी इसलिए शिक्षा विकास का सबसे बेहतर माध्यम है और विनाश का सबसे खतरनाक हथियार तो ये जो क्षेत्र की बात है ये जो बीज की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हम सलाह देते थे बहुओं को बेटियों को रामायण का अध्ययन करो महाभारत का अध्ययन करो मैं भी उनसे कहता हूं इस महीने मैंने कई टीवी पे भी कई ऐसे शोज किए हैं अभिमन्यु के नाम से शो के नाम अभिमन्यु मतलब मेरा तो वही था जिसमें किस महीने में क्या अध्ययन करने से बच्चे के मस्तिष्क पर क्या बेहतर प्रभाव पड़ सकता है वह चीज वह संस्कार वह बच्चा गर्भ में ही सीखने लगता है और वहीं अगर गड़बड़ है तो बच्चे के लिए अपने चरित्र को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है तो ये जो पश्चिम का अंधानुकरण है अनुकरण करने में परेशानी नहीं है हर अच्छी चीज का अनुकरण कर लेना चाहिए लेकिन अंधानुकरण जो है बिना सोचे समझे एक सड़क पर भागे चले जा रहे हैं हमको तो यह नहीं मालूम कि यह सड़क खत्म हो जाएगी आगे जाकर हम फिर कहीं भी गिर जाएंगे तो यह अंधानुकरण जो है इसमें दिमाग का उपयोग नहीं हो रहा यह खतरनाक है तो इस प्रकार से बीज और क्षेत्र को श्री कृष्ण तेरहवें अध्याय में बहुत महत्व देते हैं संस्कार को बहुत महत्व देते हैं संस्कार रूपी बीज कहते हैं चाहे विद्यार्थी हो ग्रणी हो व्यवसायी हो नौकरी करने वाला हो शिक्षक हो होने वाले माता पिता हो उन सभी के लिए यह सिद्धांत लागू होता है हम इसे भुला बैठे हैं और कुछ मजबूरियां भी हैं इतनी दवाई खानी पड़ती है इतनी दवाई खानी पड़ती है, है। बच्चियों को की शरीर कमजोर हो जाता है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है तो दोनों ही तरफ से कुछ कुछ समस्याएं हैं लेकिन उसे मैनेज तो करना ही पड़ेगा मैनेज तो करना ही पड़ेगा आगे चलते हैं आशा करता हूं कि इस सामान्य सी बात को आपने बड़ी गंभीरता से समझा होगा फिर श्री कृष्ण चौथे श्लोक में कहते हैं ये और का तत्व क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है ब्रह्म सूत्र वेदांत तो वो ये बता रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है अनेक विद्वान अनेक ऋषि इस विषय में कर रहे हैं इसीलिए भारत में जो संतानें उत्पन्न होती थी समय में वो शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ बलशाली पुष्ट होती थी और इसीलिए हम बड़ी मुश्किलों में भी खुशी से जीना जानते थे इसलिए हमारा जो हैप्पीनेस क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा था अभी भी हैप्पीनेस इंडेक्स आता है हर वर्ष जिसमें हम लगातार गिरते चले जा रहे हैं ऐसा नहीं कि धन नहीं बढ़ा है ऐसा नहीं देश का विकास नहीं हुआ है आर्थिक विकास नहीं हुआ है हुआ है बहुत कुछ हुआ है लेकिन फिर भी हम लगातार कमजोर होते जा रहे हैं खुशी के मामले में अब खुशी नहीं है अब वो आनंद नहीं है अब हर बात पर कलेश है बातों को गंभीरता से गहराई से समझना भूल चुके हैं साहित्य का संगीत का जीवन में अभाव है साहित्य उसकी गहराई को ना अपना साहित्यकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता वो एक लाइन में बड़ी गहरी बात कह बाकी लोग उस बात की तह तक जाते हैं आनंद ही आनंद बिखर जाता है लेकिन साहित्य को समझना अब ऐसा लगने लगा है अब लिखना भी भारी पड़ जाता है कभी कभी क्योंकि लोग समझते ही उसका अर्थ ही नहीं समझते हैं सोशल मीडिया ने तो और सत्यानाश कर दिया पहले मैं देखता था कि हम लोगों को जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो या तो चुप रहकर चुप रहते थे अवलोकन करते थे या जिज्ञासा से प्रश्न करते थे जब मुझसे कुछ आता नहीं कुछ मैं समझ नहीं पा रहा तो मुझे उस पर टिप्पणी देने का क्या अधिकार है तो श्री कृष्ण बहुत सरल सा एक सूत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस सूत्र से जीवन के बहुत सारे रहस्य उजागर होते हैं आगे कहते हैं पंच महाभूत जिसे सब जानते ही हैं। फिर अहंकार इस शब्द की अग्रिम व्याख्या बाद में बुद्धि और मूल प्रकृति तथा दस इंद्रियां एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और आप बार बार देखेंगे श्री कृष्ण कपिल मुनि की बात करते हैं बार बार देखेंगे श्री कृष्ण सांख्य दर्शन की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण जब हैं तो वेदांत का वह पाठ आना शुरू हो चुका था भले ही समस्त नहीं आए थे समस्त उपनिषद नहीं आए थे लेकिन कुछ आने शुरू हो चुके थे अब इसे श्री कृष्ण के अनुसार समझे हम अपना दिमाग न लगावे जबरदस्ती कुछ का कुछ बना देते हम भाव में बहकर तो बारंबार सूत्रों की बात कर रहे हैं वेद को समझाने के लिए सूत्रात्मक व्याख्याएं की गई हैं यह सूत्रकाल है आप फिलॉसफी में इसे पढ़ेंगे या जो लोग एजुकेशन में एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ते हैं वो भी इसे पढ़ेंगे यह सूत्रकाल है हर चीज सूत्रों में दी गई है और ये इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप उसको गहराई से अपने समझकर जीवन में उतार ले तो आनंद आ जाए मैं कहता हूं सौ प्रतिशत तो कोई नहीं उतार सकता पचास भी उतार ले तो ये जीवन अनोखा हो जाएगा हार कर भी जीत का आनंद तो रहेगा सोच हमारी एकदम स्पष्ट हो जाती है आगे कहते हैं तथा इच्छा उसके कंटिन्यूएशन में ही बोल रहे सामान्यता क्या होता था अर्जुन जी प्रश्न करते हैं और फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं यहां वही बोल रहे हैं पहले ही श्लोक से लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया अब यहां से एक बहुत अच्छा सूत्र श्री कृष्ण देते हैं जीवन के लिए वो क्या कहते हैं श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए उसका अभाव होना चाहिए श्रेष्ठता के अभिमान का, का अभाव दंभाचरण का अभाव यानी दंभ के घमंड के वशीभूत किसी भी आचरण का अभाव किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना उसके आगे कहते हैं क्षमा भाव जब हम किसी को क्षमा करते हैं उसका नहीं पता लेकिन स्वयं को बड़ा सुख मिलता है लगता है कि मनोबोझ सर से उतर गया क्षमा भाव मन वाणी आदि की सरलता श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा क्या बोलो बाहर भीतर की शुद्धि अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह कितनी सारी क्वालिटीज बताती देखिए एक एक शब्द है। सूत्र में बात हो रही है श्रेष्ठता का कोई अभिमान नहीं क्यों नहीं तुम इसलिए श्रेष्ठ हो या हम सब इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि जो कुछ भी है प्रभु का है हम इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि हम श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता रखते हैं लाखों लोग योग्यता रखते हैं, वो सफल नहीं होते श्रेष्ठ नहीं हो पाते आपने सुना भी होगा कला के क्षेत्र में गायन के क्षेत्र में समय के प्रभाव से वह लोग उतने प्रतिष्ठित नहीं हुए लेकिन उनकी कला में कहीं कोई कमी नहीं थी सभी लोग राजनीति का शिकार होते हैं यह दुनिया है और केवल भारत में ही नहीं है पूरी दुनिया में ऐसा सभी लोग राजनीति का शिकार होते हैं निकल के कौन आ पाता है यह प्रभु की कृपा है आप ये सोचे कि सारी रोड्स स्मूथ हो जाएं और तब मैं चलूंगा कभी नहीं होंगी लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मेरे से उत्पन्न नहीं हुई है मैंने उसके लिए कर्म किया और उस कर्म को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई तब वो फल मिला क्योंकि कर्मण्य व अधिकार मां फलेशु मेरा अधिकार कर्म पर है फल पर नहीं इसको अधिकार समझिएगा का, कामना नहीं फल की कामना मत कर ये नहीं है वर्ड हल पर अधिकार नहीं है इसलिए मुझे मेरा कर्म श्रेष्ठ रूप से करना है धम्बाह चरण का अभाव किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना क्षमा भाव मन वाणी आदि की सरलता श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि ये पातंजलि योग इसी पर निर्भर पातंजलि योग जो बाह्य योग है योग है फिर एक अंत योग है जिसमें यम है नियम है प्राणायाम है आसन है प्रत्याहार है और फिर अंतरंग योग में चले जाते हैं जहां धारणा है फिर ध्यान है फिर समाधि है श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं ऋषि पातंजलि के बारे में जब मैं बता रहा था इसके बाद हम उन्हीं योग सूत्रों की भी बात करेंगे फिर कभी ऋषि पातंजलि का जो योग है पहला उसका ध्येय क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज भाषा की शुद्धता दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए भाषा को सरलता से मत लीजिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मल से शरीर की शुद्धि यानी शरीर में जो भी मल होते हैं स्वेद के रूप में यानी पसीने के रूप में भी होते हैं विष के रूप में भी होते हैं इंटॉक्सिकिंस होते हैं ना बॉडी में टॉयलेट भी होता है तो मल शुद्धि और तीसरा ऑब्जेक्टिव है ऋषि पातंजलि का भाषा की शुद्धि शरीर की शुद्धि योग शास्त्र जो है पातंजलि कृत योग शास्त्र जो है वो आज किसी भी नाम पर उसका उपयोग कैसे भी हो रहा हो लेकिन ठीक है उसमें कोई नकारात्मकता तो है नहीं इसलिए उसके आलोचना भी क्यों करें लेकिन ऋषि पातंजलि ने ये तीन चीज़ें बताई हैं तीन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने स्पष्ट किए और ऋषि पातंजलि के गुरु को तो आप जानते ही हैं कौन थे पाणिनी पाणिनी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है व्याकरण तो भाषा की शुद्धता शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता यह योग के पातंजलि कृत योग के तीन उद्देश्य हैं जिनको श्री कृष्ण कह रहे हैं शायद श्री कृष्ण से ही उन्होंने वो धृत किए होंगे मन वाणी आदि की सरलता अंतकरण की स्थिरता यानी आपके थॉट्स का जो डिस्पोजिशन है उसमें स्टेबिलिटी कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनस्टेबल थॉट्स लगातार खुद को बदलता रहता है और जब एक थॉट अपने आप को बार बार बदलता रहता है तो वो अस्थिर हो जाता है उसकी जड़ों से वो छूट जाता है। तो पहले थॉट फ्लोटिंग होता है फिर माइंड फ्लोटिंग होता है और फिर पर्सन फ्लोटिंग हो जाता है वो कहीं स्थिर नहीं रहता तो एक अंग्रेजी में कहावत भी है ना रोलिंग स्टोन गेदर नो मोस उनके पास उनकी जमीन खत्म हो जाती है तो ये कितने सूत्र इसीलिए इसे सूत्रकाल भी कहते हैं ये सारी चीजें जब आई है वेदांत की तो सूत्रों के रूप में आई है एजुकेशन फिलोसफी में आप पढ़ेंगे तो यही वो सूत्र है। थ्रिड्स में बातें कही गई हैं पॉइंटर्स दिए गए हैं है। आगे कहते हैं भगवान इस लोक और परलोक कि संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव भोग को शायद श्री कृष्ण मना नहीं कर रहे लेकिन उसमें आसक्ति को मना कर रहे मोबाइल मेरा गुलाम है अच्छा है मैं मोबाइल का गुलाम हूं बुरा है कार मेरी गुलाम है अच्छा है मैं कार कार का गुलाम हूं बुरा है रूल जूम ये इंपॉर्टेंट है मशीन मशीन रूल मी अ डू आई रूल द मशीन ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है साइबर ने पूरा इस पर डिपेंड करता है हु रूल जूम और मनुष्य को नई खोजे करने में बड़ी रुचि होती है नई नई खोजे करता है और जिस वक्त वो खोज कर रहा होता है उसका एक साइड देखता है और दिखाता है और वो यह है कि ये कल्याणकारी है प्रोग्रेसिव है डेवलपमेंट ओरिएंटेड है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाना समझ में समझ में तब आता है जब वो मशीन उसको रूल करने लगती है और जो उसने कृति स्वयं बनाई थी वही कृति आज उसके विनाश का कारण बन जाएगी आगे चलते हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग में आसक्ति का भाव और अहंकार भी अब का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा और जरा बुढ़ापा जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना यह विचार करना कहीं छूट रहा है हमसे, मैं, मैं कई बार देखता हूं YouTube पर इतनी हल्की हल्की बातें इतने बड़े बड़े लोगों को बतानी पड़ती बड़ा अजीब लगता है सुनकर कि क्या हमारा बौद्धिक स्तर इतना नीचे आ चुका है कि बहुत बेसिक सी चीजें उस एज के लोगों से सिखानी पड़ती है पच्चीस छब्बीस बाईस अट्ठाईस तीस पैंतीस चालीस और वो टिकट लेकिन चीजों को सीखने जाते हैं बहुत पहले मैंने एक जोक सुना था काउंसलर कौन है काउंसलर वो है जो आपको वो बताता है जो आप जानते हैं तो ये बौद्धिक स्तर पर उठाने की जरूरत है इक्कीसवीं सदी में हम आ गए इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प होना चाहिए कुछ लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत वीक होते हैं उन्हें सामान्य से एडकेट्स भी नहीं आते कि किसी बात को कैसे कहा जाता है कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है कहा कहना चाहिए कहा नहीं कहना चाहिए बेसिक ह्यूमन रिलेशंस में वो एकदम फेल हो जाते हैं वहां कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है अल्टीमेटली ऐसे लोग भी उसी डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसी एंजाइटी का शिकार होते हैं जो बाकी लोग बीमारी की वजह से होते हैं यह भी एक मानसिक बीमारी बैलेंस टूट गया पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे हैं तो पर्सनल लाइफ में अच्छे तो हों बहुत अच्छे भले ही ना हो अच्छे तो हों लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप वंडर्स करते हैं पर्सनल लाइफ में आप मुंह के बल गिरते हैं अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि ह्यूमन रिलेशन जिसकी जरूरत सबको होती है ह्यूमन रिलेशन इतने वीक हो जाते हैं कि हम प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हम घबराते पछताते रह जाते एंजाइटी के शिकार होकर रह जाते हैं आगे कहते हैं श्री कृष्ण अभी तो अनासक्ति की बातें ही वह कह रहे हैं एक शब्द यूज किया है श्री कृष्ण ने दसवें श्लोक में मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारणी भक्ति यानी एक ऐसी भक्ति जो परम सात्विक है जो परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित करके चल रही है ऐसी भक्ति जिसमें इधर से उधर उधर से उधर डोलना नहीं है हमारे यहां आजकल जैसी भक्ति चल रही है कि आजकल हनुमान जी दे रहे हैं तो चलो आज हनुमान जी के दरबार में बैठा जाए आजकल राम जी दे रहे हैं तो चलो राम जी के दरबार में बैठा जाए आजकल दुर्गा मैया तो हमारा कौन इष्ट है सबके दरबार में बैठना चाहिए मैं यह मानता हूं सारी देवी देवता बराबर हैं सभी भक्ति का प्रसुतन करते हैं लेकिन हम जिस अपेक्षा के साथ अपने भगवानों को बदलते हैं यह बहुत खतरनाक है और ऐसे लोगों को कभी कोई आसरा नहीं मिलता कभी कोई आसरा नहीं मिलता ये तिनके की तरह संसार के जल में बहते रहते हैं छत्तीस देवी देवताओं को पूजते हैं छत्तीस गुरुओं से दीक्षा लेते हैं हमारे पूजनीय संत हैं, उनके पास हम बैठे हुए थे तो एक वहां पर काफी बुजुर्ग महिला आती है पहली बार वह उनसे मिलती है और कहती है मुझे दीक्षा दे वो है वो खाटी संत है पक्के वाले वो ऐसे नहीं है कि हाँ लाख लोगों को बांट दी दीक्षा एक साथ बिठा के उन्होंने कहा दीक्षा ऐसे थोड़ी होती है अचानक उन्होंने पूछा क्योंकि अनुभव बहुत है उन्होंने अचानक पूछा कि इससे पहले कितनी दीक्षा ली है तो उन्होंने कहा तीन चार तो ले चुके चार के नाम भी बता दिए थे या तीन के उन्हें नाम भी बता कि हम तीन दीक्षा ले चुके हैं लेकिन आपसे भी दीक्षा लेना चाहते हैं उन्होंने इनको चलता कर दिया दीक्षाएं ऐसे बटती नहीं है टॉफीज की तरह लेकिन हम फ्लोट कर रहे हैं एक अपेक्षा के कारण उसका कोई आधार नहीं है प्रेम या समर्पण उसका आधार नहीं है श्री कृष्ण इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं देखिए कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं कितनी समझ है उन्होंने ह्यूमन माइंड की ह्यूमन थॉट की कितनी समझ है उसके लिए कह रहे हैं अव्यभिचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव मैं तो कहते कि जाता हूं मौन रखो तो मौन रखो मेरी ना मानो कृष्ण जी की तो मान लो एकांत और शुद्ध देश में शुद्ध देश का अर्थ जहां पर बीमारियां ना हो जहां लोग अच्छे हो वैसे शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषया विषयाशक्त मनुष्य समुदाय में प्रेम का ना होना ये सारी चीजें मनुष्य को कमजोर बना देती हैं और मुझसे दूर कर देती हैं ईश्वर से यानी भगवान कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है श्री कृष्ण इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सूचनाएं ज्ञान नहीं होती हैं सूचनाओं का विश्लेषण ज्ञान होता है और जब वो विश्लेषण जीवन में उतरने लगता है तब क्या बन जाता है अंग्रेजी में विजडम तो हमारे पास सूचनाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से यह ज्ञान नहीं है हम इंटेलेक्चुअल्स नहीं हो जाते हैं सूचनाओं से सूचनाओं को सही प्रकार से इस्तेमाल कैसे किया जाता है सूचनाओं को समझा कैसे जाता है वह उदाहरण के रूप अपो दीप भव पाली में बोला है इसको अपने दीपक स्वयं बनो ऐसा बोल दिया इसको तो क्या हमें अपने घी मल के चुटिया में आग लगा देनी है इसका यह अर्थ थोड़ी है कि लो बन गए दीपक इसका कितना अर्थ है और उस अर्थ को जब हम खोजना शुरू करते हैं तब आनंद आता है इसीलिए हर बच्चे को खेल गणित साहित्य और संगीत या कोई अन्य कला का ज्ञान अवश्य देना चाहिए क्योंकि यह आपके दिमाग को खोलता है फिर आप जुट गए अपने दीपक स्वयं बनो मतलब क्या मतलब क्या अब वो जो क्षण है आपके व्याकुलता लेकिन उस व्याकुलता में आनंद कितना है व्याकुलता तो है क्या मतलब है क्या मतलब है लेकिन उस व्याकुलता में आप मतलब खोज रहे हैं तो आनंद है और फिर एक मीनिंग आप निकाल के लाते हैं काप निकाल काप निकाल के लाते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है खूफ अब वो जमाने लदने से लगे हैं कि नहीं इसका ये। वो नहीं इसका यह मतलब है और उसमें परम आनंद है इसलिए लिटरेचर बहुत जरूरी समझ बहुत जरूरी आज आप देख रहे हैं यूट्यूब भी खोलेंगे आप तो आपको लिटरेचर बहुत कम मिलेगा उसमें कोई गांधी पे बोल रहा होगा सावरकर जी पे बोल रहा होगा कोई बल्लभ भाई पटेल पे बोल रहा होगा मोदी जी और राहुल जी तो कॉमन फिगर्स हैं तीसरे काल जी हैं तो कुल मिला के कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलेगा कोई इधर लड़ेगा कोई, लड़ेगा कोई उधर लड़ेगा कोई उधर लड़ेगा और किसी लड़ाई से कुछ हो नहीं रहा तो वो जो का है मैं ये नहीं कहता कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझना है ताकि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए वो तो मस्ट है मैं एक सिटीजन हूँ तो मुझे तो मेरे देश की पॉलिटिक्स की समझ होनी ही चाहिए मेरे देश के संविधान की समझ होनी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज जो आपको लाइट मूड में लाती हैं इसके साथ साथ और चीजें जो शार्पनेस क्रिएट करती हैं जो मन में द्वेलता को समाप्त करती, है, है, करती हैं, जो मन में शांति और सुख लाती हैं और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पावर डेवलप करती हैं, जो बहुत जरूरी है ऐसा नहीं था कि न्यूटन से पहले सेब नीचे की जगह ऊपर जाता था और ऐसा भी नहीं था कि न्यूटन के अलावा किसी के सर पर सेब ना गिरा। लेकिन उसने उस इवेंट का विश्लेषण किया एनालिसिस किया तसल्ली से बैठ के एनालिसिस किया त्याग किया वर्षों दिए जबकि एक ऑटिस्टिक बच्चा है न्यूटन स्कूल ने उनको निकाल दिया था It was the courage of his mother, which made him Newton, न्यूटन वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन मदर का करेज था तू पढ़ चिंता मत कर और वो बहुत गरीब परिवार में है अमीर होने की जगह विद्वान होना पसंद किया उसने क्योंकि विद्वता से तो अमीरी प्रतिष्ठा दोनों आई गई अमीर हो जाते तो हो जाते क्या फर्क पड़ना था चली भी जा सकती थी लेकिन विद्वता तो कभी नहीं जाती इसलिए उन्होंने इतने सारे फॉर्मूलाज लिखे जो उनके कुत्ते ने जला दिए उस पर मोमबत्ती गिरा दी फिर भी चूंकि वो विद्वान है वो दिमाग में थे पैसा होता कहा से आता पैसा जरूरी है ऐसा नहीं है पैसा बहुत जरूरी है किसी भी चीज को एक्सट्रीम से मत देखेगा मेरी लेकिन विद्यता से जो आनंद आता है विश्लेषण में जो आनंद आता है उसका मजा ही कुछ और है गीतों में भी देखे हल्कापन आ रहा है कोई गीत गोलियां मारने की बात करते हैं कोई गीत शराब पिलाने की बात करते हैं कोई गीत शराबी का मन, महिमा मंडन करते हैं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं सोच है ही नहीं तो बहुत कभी कभार कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं बड़ा मजा आता है उसमें मैं कल परसों एक शेर सुना कोई गजल गायक है बड़ा अच्छे स्वर में गाया रहे तो मैं नाम भूल रहा हूं उसका जो मतलब था वो ये था और बहुत आनंद हुआ मुझे सुनकर कि जो खानदानी रईस है मिजाज उनका कुछ अलग सा होता है मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया समान ऐसे भूलता नहीं हूं मैं पता नहीं इस वक्त याद नहीं आ रहे जो खानदानी रईस है मिजाज उनका अलग होता है तुम्हारा मिजाज बता रहा है ये दौलत अभी नई नहीं, नहीं है <laughs> कितनी गहरी बात जो खानदानी रही है वो जमीन से जुड़ा हुआ है बहुतों की समझ में नहीं आएगा गई मैं भी नहीं बता रहा खुद दिमाग लगाओ लिटरेचर को डिकोड करने में बड़ा आनंद आता है और जो उससे सुख शांति मिलती है जो पहनापन आता है श्री कृष्ण उसकी भी बात कर रहा। नहीं तो जिंदगी तो चली रही है सभी की चलेगी तो उसमें कोई खास क्या है 140 करोड़ लोग रोज चल रहे हैं केवल भारत में आत्मज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह ज्ञान है बाकी सब ज्ञान आगे जो जानने योग्य है बहुत सुंदर बात है श्लोक 12 में जो जानने योग्य है तथा तो जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली बाती कहूंगा यह अनादि वाला पर ब्रह्म ना सत ही कहा जाता है ना असत कहा जाता निर्गुण है जिसका वर्णन में कल राज श्रीमद भागवत कक्षा में भी कर रहा था न सत था नास था धरती से पहले कुछ नहीं था श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक 14 में वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है अनासक्ति की पराकाष्ठा सारी इंद्रियां उसके अनुसार चलती है वह सारी इंद्रियों को समझता है जानता है लेकिन उससे मुक्त है अब यह मुक्ति दो प्रकार की होती है एक तो बैंक का कैशियर होता है जो सारे दिन नोटों में खेलता है लेकिन इतनी सी तनख्वाह पाता है यह फोर्सड मुक्ति है <laughs> और दूसरी मुक्ति इस प्रकार की होती है जब मनुष्य भीतर से मुक्त होना शुरू होता है जिसे गुरु महाराज ने चार चरण बताए थे भीतर से मुक्ति भीतर से अनासक्ति। और जिसके भीतर से मुक्ति आना सकती होती है उसको फिर कोई भी प्रलोभन दीजिए वो इधर उधर नहीं होगा वह अपने मार्ग पर डट के चलेगा विचलित तो वो होता है जिसके भीतर ही आसक्ति है दमन कर रहा है लेकिन उस आसक्ति का या दिखावा कर रहा है उस आसक्ति का लेकिन जिसके भीतर से ही अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है उसे कोई हिला नहीं सकता जीवन में और प्रभु की उसी को कृपा मिलती है आगे निर्गुण है फिर भी गुणों को भोगने वाला है वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा तो अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है ईशावास्य याद आ रहा है हम लोग ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे वही वही बात श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कल्पना कीजिए मेरा हाथ आपकी तरफ ऐसे बढ़ रहा है मैं कहूंगा क्या बढ़ रहा है आप कहेंगे हाथ बढ़ रहा है लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो कहेंगे दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं जड़ और चेतन चेतन शक्ति है बाकी ये पंच महाभूत है तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि पंच महाभूत तत्व के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हाथ नहीं बढ़ रहा है ये मतलब तो सामान्य जीवन कृपा करके मत कहना ऐसे, इसे लेकिन दरअसल देखा जाए अगर उसका गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो ये हाथ हमने नाम दिया है ये उस शक्ति यानी आत्म तत्व और पंच महाभूत का मेल है ये आपकी तरफ पड़ रहा है इसी प्रकार से प्रभु को देखना शुरू कीजिएगा आज से क्यों नहीं मिलेंगे वो खुद बता रहे हैं उन रहस्यों को धीरे धीरे सुलझा रहे हैं और धीरे धीरे सुलझने चाहिए ये रहस्य अगर एकदम से बनवा देंगे बता देंगे ना तो वही हाल हो जाएगा जैसे एक अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जिसे दोबारा कभी नहीं सुना जाता आगे उन्नीसवें श्लोक पर आते हैं क्योंकि बाकी बातचीत वही चल रही है प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान तब से इनका प्रारंभ है नहीं पता और राग देश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान प्रकृति का तो हमने गंभीर विश्लेषण किया ही था सृष्टि से पूर्व प्रकृति पूर्व तो सृष्टि से पूर्व भी एक कृति है उसे प्रकृति कहते हैं उसमें उसके साथ उदासीन पुरुष जिससे सृष्टि आगे बढ़ी है उत्पादकता प्रकृति में है जिसे हम स्त्री तत्व तो कहते हैं उत्पादकता की क्षमता उत्पादन की क्षमता प्रकृति में है प्रकृति का अर्थ केवल वेजिटेशन नहीं है पेड़ पौधे नहीं है ब्रह्मांड की उत्पादन क्षमता प्रकृति है पुरुष उदासीन है उसके अंदर वह क्षमता नहीं है या पुरुष का अर्थ मेल नहीं है चैतन्यता प्रकृति में है प्रकृति और जब परम शब्द लगता है तो आगे उच्चस्त अवस्था आगे उच्चतम अवस्था क्षमा कीजिए उच्चतम अवस्था या आगे की अवस्था यह परम है क्लियर आगे चलते हैं कार्य अब यह कार्य जो वर्ड है अध्यात्म की शब्दावली में यह बहुत वृहद वर्ड है इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्म कौशल कर्म की कुशलता जिसमें कार्य होता दीख पड़े वह योग है योग का परिणाम क्या है पुरुष और प्रकृति का मिलन योग का परिणाम क्या है आत्मा परमात्मा का मिलन भक्त और भगवान का मिलन ये योग व्यायाम नहीं है चौरासी प्रकार के घिरण ऋषि के आसन मात्र नहीं है घिरण संहिता में ही तो आसन है इस प्रकार के व्यायाम वाले पतंजलि जी ने नहीं कहा तो कार्य अब जितना भी इस प्रकृति में है सृष्टि में है जो कुछ भी क्रिया है वो कार्य है जैसे पांचों तत्व हो गए ठीक कौन से हैं पांच तत्व पहले फिर हाँ फिर अग्नि आया फिर मध्य आकाश फिर इस प्रकार होता है ठीक है ना इसी के आधार पर मुद्राएं बनती हैं इसलिए हमें उसकी एक का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ कोई भी शब्द है कोई भी स्पर्श रूप गंध है ये सब मिलकर कार्य कहलाते हैं ठीक है प्रकृति में स्थिति पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है जो हमने अभी बात पढ़ी थी वही श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है तीन प्रकृति कौन सी हुई बोलो सत रजतम सत्य प्रकृति वाला व्यक्ति मनुष्य ही जन्म लेगा यही उसको शक्ति मिलेगी काहे की देने की इसलिए उसे कहा जाएगा देव इसलिए उसकी योनि आएगी देव योनि सामान्य नहीं होगा वो असाधारण होगा देव योनि जो तो सात्विक जीवन वाला व्यक्ति देव योनि प्राप्त करता है राजसिक गुण वाला व्यक्ति मनुष्य योनि प्राप्त करेगा और तम गुण वाला व्यक्ति कीट पतंगा जिसे गरुड़ पुराण में लिखा है ना कढ़ाई में तेल डालकर भूना जाएगा पकाया जाए पकोड़े बनाए जाएंगे <laughs> तो जो पशु कीट आदि जो योनियां होती हैं तो जो तामसिक व्यवहार करते हैं वह लोग उन्हीं योनियों को प्राप्त करते हैं आगे प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता देव योनि को प्राप्त हुआ आगे उस परमात्मा ये आगे जाके अंतिम जो अध्याय अठारवा अध्याय है उसमें और क्लैरिटी आएगी ये जो बातें श्री कृष्ण कह रहे हैं उसमें और क्लैरिटी आएगी उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं बार बार श्री कृष्ण ध्यान की बात करते हैं लगे ना लगे हमें तो करना है हमें अपना कर्म करना है। जब लगना होगा लग जाएगा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे ही कितने कर्म योग के द्वारा देखते ईश्वर को देखने के अलग अलग रस्ते हैं ध्यान योग जिसमें हम हृदय में अवस्थित होते हैं लेकिन यह भी बहुत बात की स्थिति है दूसरे ज्ञान योग जो हम जिस योग को इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरे योग जिसके बारे में स्वामी जी ने बड़े डिटेल से समझाया एक पूरा लेक्चर है उनका इस बारे में पुस्तक भी है उसको पुस्तक के रूप में भी कहा है अब एक और चीज समझिए जो कृष्ण जी कहते हैं परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तप्त तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते और वे स्वर्ण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं मान लीजिए कि ध्यान ज्ञान कर्म ये नहीं होता तो चलो जिनके पास ज्ञान है उन्हें सुना जाए और सुनकर बदल दिया जाए इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है क्योंकि सारे लोग तो ज्ञानी ध्यानी नहीं हो सकते ना वो तो, तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है तो जो लोग बैठते यानी क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है सत्संग एक क्लास ही तो है एक एक स्थान है जहां पर हम लोग बैठ के अच्छी बातें कर रहे हैं सत्संग सात्विक लोगों का संघ है वहां पर तो हम उसको सुनकर यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो भी हम तर जाते हैं किसी साइंटिस्ट ने पूरा जीवन लगाकर एक फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले को हमने सुन लिया उससे तो भी हमें वो फॉर्मूला याद हो गया और हमने उसका उपयोग कर लिया हम तर गए ना सुनकर भी तर जाते हैं ये इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और स्वभाव संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है संभाव कहीं अनुपस्थित हो जा रहा है आजकल उसकी जगह अपेक्षा भाव आ जा रहा है और अपेक्षा पूरी नहीं होती फिर उपेक्षा भाव आ जाता है घी और नहीं बहुत गर्म हो रहा होगा <coughs> क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता इससे वह परम गति को प्राप्त होता है लेकिन इसको समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण गुरु महाराज जी देते हैं सब में ईश्वर है किसी ने उनसे पूछा सब में ईश्वर है तो हम शेर को देखकर भागते क्यों हैं उसमें भी तो ईश्वर है तो जैसा उनका विनोदी स्वभाव था उस अनुसार उन्होंने कहा उसको कि यह ठीक है कि तुम में भी ईश्वर है और शेर में भी ईश्वर है लेकिन शेर में ईश्वर सुप्त है और शेर की जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो उग्र हैं इसलिए तुम भाग लो अन्यथा शेर तुम्हारा ईश्वर देखने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो पशु है इतना अच्छा आंसर आप लोगों को भी ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कभी ना कभी तो शेर में ईश्वर तो है लेकिन सुप्त अवस्था में और उसकी जो तामसिक शक्तियां हैं वो बहुत प्रबल है क्योंकि वह तम से ही जन्म है इसीलिए वह तुम्हारा ईश्वर नहीं देख सकता इसलिए उसमें तुम एक मांस का पिंड मात्र हो जिससे उसका पेट भरेगा तुम्हारे भीतर के ईश्वर को वह नहीं देख सकता इसलिए उसमें दया करुणा क्षमा आदि भाव नहीं ठीक है श्री कृष्ण आगे कहते हैं हे hey अर्जुन एक श्लोक पूर्णता की ओर जा रहे हम तेरहवें अध्याय के अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है यह अवस्था यदि आप नियमित प्रभु को समर्पित होकर ध्यान करोगे तो कुछ समय के बाद आपकी भी आ जाएगी और यहां फिर मैं गुरु महाराज जी का वही उदाहरण दूंगा नाव और जल वाला जल पर नाव चलती रहे तो ठीक है जल संसार है इसके ऊपर तुम चलते रहो इसमें लिप्त तो नहीं हो यानी अगर तुम्हारी नाव में जल भर गया तो तुम डूब जाओगे श्री कृष्ण बात कहते हैं कि शरीर में तो है परमात्मा और वो आपके समस्त चीजों को जानते भी है पहचानते भी है वह उसे क्रिएट करते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते यानी वह तम भी वह गुण भी वह रज भी सत भी सब उत्पत्ति उन्हीं की है फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं हो जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होती क्योंकि उसका विस्तार बहुत है इसलिए वो छोटी वस्तु में लिप्त नहीं आत्मा का विस्तार देह से अधिक है इसलिए देह के गुण से या देह में आने से देह के तम से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परंतु इसके लिए कार्य क्रिया दोनों करनी पड़ेगी अन्यथा नहीं होगा हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है संपूर्ण क्षेत्र एक ही आत्मा है जो हमारे अंगूठे में भी है हमारी उंगली में भी हमारे सर में भी नाक में भी है जीवाह में भी सब है सब जगह और वह चला रही है इसको प्रकृति है प्रकृति और जो प्रकृति होती है वो परम होता है लेकिन कब से है ये नहीं पता और कब तक है ये भी नहीं पता इसलिए ये अनादि है अनंत है जो हमने श्लोक तीन चार पांच में पढ़ा इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जिन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एक बात चलते चलते मैं कहूंगा ज्ञान बहुत जरूरी है वॉटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो सब जानते हैं दो मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा तो पानी बच जाएगा बट दिस इज एन इन्फॉर्मेशन ये सूचना है ऐसा क्यों होता है जब इसके विश्लेषण में जाते हैं तो जो तत्व की प्राप्ति होती तत्व की सूचना नहीं जहां से तत्व यानी जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तब वह ज्ञान बनता है बहुत सारे लोग कहते हैं भक्ति ज्ञान से बड़ी है निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान से बड़ी है लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है किसकी भक्ति क्यों भक्ति भक्ति में क्या करना है जो भगवान आप मानते हैं जो इष्ट आप मानते हैं वो चाहते क्या है वो करते क्या है जब ये विश्लेषण हम कर लेते हैं तो ज्ञानी तो है तो ये भक्ति के प्रारंभ की अवस्था है इसलिए ज्ञान बिना भक्ति नहीं मिलेगी परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए मेरा ये मानना है कि ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान के लिए निश्चित रूप से कर्म करना पड़ता है बैठे बिठाए नहीं आता अध्ययन करना पड़ता है हाँ उसके विश्लेषण में आपको ईश्वर मदद करते हैं क्योंकि आप ईश्वर को आप भगवान को स्वयं से नहीं समझ सकते उन्हीं की कृपा से समझा जा सकता है ऐसा मैं मानता हूं और फिर जब आप भक्ति करते हैं तब सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं अन्यथा नहीं होगा संदेहात्मक बुद्धि रहेगी स्थित प्रज्ञ नहीं होगा समत्व उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि समत्व का ज्ञान नहीं होगा उसका अभ्यास नहीं होगा इसलिए अध्ययन वाचन मनन अवश्य करना चाहिए इसी के साथ अध्याय तेरा पूर्ण होता है और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हमने कही थी विद्यार्थियों के संबंध में पेरेंटिंग के संबंध में भोजन बनाने वालों के संबंध में व्यवसाय करने वालों के संबंध वो आशा करता हूँ आपको याद रहेगा ओम। आज्ञा। 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 चार्थ। 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 समय से पहले अब अगर कोई प्रश्न है मन में आप बताइए राम राम गुरु जी साधा चरण स्पर्श बैठे 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 आराम इनफॉर्मली एक्चुअली में हमारी सभ्यता जो है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही जैसे आपने कहा भी था तो आजकल मतलब वेस्टर्नाइजेशन ब्लाइंडली हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो मतलब सनातन कल्चर हम लोग बोलते ही जा रहे हैं तो इससे मतलब कैसे उभरा जाए जो यूथ है आजकल ज्ञान की कमी है दरअसल पूरी तरह उस यूथ की भी गलती नहीं है उस यूथ को ज्ञान देने वाले लोग निश्चयात्मक बुद्धि के नहीं थे वही डावाडोल होते हैं उनको नहीं पता चीजें और इसीलिए वो कहनी देखी चीजों पर चले जाते हैं और वही बात वह अपने वही सूचनाओं का आदान प्रदान वह बच्चों के साथ करते हैं जिस पे बच्चों को विश्वास नहीं होता है इसलिए उनको ये लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं हमें जो है अमेरिका ने ये किया अमेरिका ने वो किया अमेरिका ने ये किया ऐसे किया वैसे किया तो यही ठीक है ऐसा वो कहते हैं और जब वो इस बात को कहते हैं तो उसका हमारे पास तोड़ नहीं होता हमें क्या करना चाहिए या माता पिता को या शिक्षकों को क्या करना चाहिए विश्लेषणात्मक बुद्धि एनालिटिकल ब्रेन एनालिटिकल माइंडसेट उसका इस्तेमाल करना चाहिए हर चीज को गहराई से जांचे, परखें पढ़े समझे, जो उपयुक्त है रखें अनुपयुक्त है उसे छोड़ दें, जो समाज के अनुसार है उसको अंगीकृत करें जो नहीं है उसको ना करें उदाहरण के लिए आज का पेरेंट ये नहीं कह सकते अपने बच्चों से कि तुम श्री कृष्ण की तरह बन जाओ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने तो श्री कृष्ण की जो छवि बना दी है या उन्हों वो जिस छवि को जप रहे हैं वह है तो श्री कृष्ण की छवि है ही नहीं तो असत से सत का जन्म नहीं हो सकता असत से असत का ही जन्म होगा और वह वो, वो बच्चा स्वीकारता नहीं है तो पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत समझना पड़ेगा बहुत पढ़ना पड़ेगा अपने विकारों पर मुक्ति पाए बिना कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि वो माता पिता बन जाएगा बायोलॉजिकली तो बन जाएगा स्पिरिचुअली नहीं बन सकता और वह बच्चों को कभी गाइड नहीं कर सकता और यही चीज शिक्षकों के लिए भी है यही चीज है शिक्षकों के लिए यही चीज रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है यही चीज उनके लिए है जिनके हाथ में हमने अपनी गवर्नेंस दी है तो ये दौर अज्ञानता का है इसमें जो ज्ञान परोसा भी जा रहा है उसका कोई विश्लेषण नहीं है बस कहीं से एक अच्छा आ गया हमने आगे, आगे बढ़ा दिया वो सच्चाई है नहीं है इसका भी विश्लेषण नहीं करते तो जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे हैं हम उनसे ऐसे नहीं रोक सकते जब हमारे आचरण में वो चीज दिखेगी तभी बच्चे समझेंगे चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैनेज थ्रू इंस्ट्रक्शन दे कैन ओनली बी डेल्ट विथ थ्रू डिमोन्स्ट्रेशन पेरेंट्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट्स क्या है इससे पीढ़ी का निर्माण होता है इंस्ट्रक्शन से नहीं होता है राम राम गुरु जी मेरे दो प्रश्न पहला आपने अभी कहा था कि प्रकृति से पहले जो पुरुष था वो उदासीन था तो ये ब्रह्मा जी और शिव जी की बात हो रही है कि ना, ना ना जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी इसकी बात नहीं करते हैं वो निर्गुण है प्रकृति निर्गुण है उसका कोई रूप आकार नहीं है वो सर्वत्र होते हुए भी सूक्ष्म है तो वहां जो कॉन्सेप्ट प्रकृति यानी सृष्टि सृष्टि से पूर्व की स्थिति को प्रकृति कहते हैं कृति से पूर्व प्रकृति तो वहां पर न ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु जी हैं, न महेश जी हैं, कोई भी नहीं है ये वो बात है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वो बात है ये वो अद्वैत सिद्धांत है जो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया था और उद्धव जी ने फिर इसे ब्रज में बताया था ये वही सिद्धांत है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत नाम से हमें दिया अद्वैतवाद जिसे कहते हैं या स्वामी जी का वेदांत न्यो वेदांत वो ये है तो प्रकृति का मतलब है सर्वत्र व्यापक जहां जो सब जगह व्याप्त है और महत्व तो है आकाश जितनी बड़ी होते हुए भी वह सूक्ष्मतम है कण में भी है तो यहां पर हम पौराणिक बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम वैदिक बात कर रहे हैं ये वो प्रकृति है और यहां जो पुरुष का है, मतलब है ये मेल नहीं है उस प्रकृति के अंदर या ऐसा समझ ली प्रकृति के साथ मिलकर सृष्टि को बनाने वाला लेकिन उत्पादन क्षमता प्रकृति के पास है उसकी बात पर गुरुजी बनाने वाले तो शिव जी विष्णु जी और तब... वो पुराण का है ये दो धाराएं साथ चलती हैं जो हम श्रीकृष्ण की जो धारा है ये सांख्य धारा है ये सांख्य धारा है ये साथ चलती है सगुण और निर्गुण दोनों जब हम सगुण तत्व की या पौराणिक तत्व की बात की या पौराणिक व्याख्या की बात करते हैं तब इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आते हैं लेकिन जब हम सांख्य की बात करते हैं तब इसमें कोई भी पुरुष वर्णन नहीं पुरुष रूप नहीं है यह निर्गुण कबीर की निर्गुण भक्ति सूरदास की सगुण भक्ति तो दोनों धाराएं साथ हैं यह समझ में धीरे धीरे इस ये शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों को लेकर लेकिन इसके साथ एक तीसरी धारा भी है चारवाक की धारा वो अलग चली है बिल्कुल ही अलग चली है तो ये जो सिद्धांत है ये निर्गुण सिद्धांत है इसमें कोई भी पुरुष आकृति नहीं है या स्त्री आकृति नहीं है एक और कंफ्यूजन है गुरुजी कल की क्लास से जब हम बात कर रहे थे पृथ्वी का निर्माण होता है तो शिव जी वो निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी कंफ्यूज होते हैं उसमें वो देख नहीं पाते चारों दिशाओं में कि क्या है तब शिव जी ने निर्माण किया और वो फिर किसी और ग्रह का निर्माण करने चले गए होंगे क्योंकि वो कहीं से आए क्योंकि हमें उनका वो कहाँ से आए ये नहीं पता कि उनका वो कहाँ से आए तो वो उन्होंने यहाँ आया निर्माण किए उन्होंने यहाँ की तो फिर वो कहीं और जाके फिर वो निर्माण करेंगे तो मतलब ये एंड कब होगा ये प्रोसेस उन्होंने एक अनादि इसीलिए तो कहा है अनादि अनंत और इसमें फिर एनर्जी का वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि वो एक व्यक्ति आता है फिर और व्यक्ति आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे ही और पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा एनर्जी का और ये अनादि है और इसमें कोई विज्ञान कोई हर हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ खोज रहा है या कोई चीज़ ढूंढ रहा है कोई चीज़ को साथ लेके चल रहा है तो ऐसे ही और पृथ्वी पे होता होगा हो और ग्रहों पे होता होगा तो उससे होगा क्या एंड कंक्लूड क्या होगा उससे ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए एक संतुलन की आवश्यकता है तो हम सब उसी संतुलन की ऑपूट है हम उस संतुलन के टूल्स हैं ऐसा हमें कहना चाहिए हम संतुलन बनाए हुए हैं उस संतुलन में ही विकास है उस विकास में ही संतुलन है ठीक है जब विकास अपनी जमीन छोड़ देता है अंधा हो जाता है तब यह संतुलन टूट जाता है और जब यह संतुलन टूट जाता है तो विनाश प्रारंभ हो जाता है फिर जब विनाश छह चरणों से पांच चरणों से होता हुआ जब छठे चरण में पहुंचता है तो इसे महाप्रलय कहते हैं तब सब समाप्त तो हो जाता है एक अन्य संतुलन की खोज में और यह सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है बिकॉज एनर्जी नेवर डाइज तो एनर्जी जो भी कुछ चीज है तो वो एक्ट रिएक्ट करेगी ही करेगी जिसके परिणाम स्वरूप फिर एक क्रिएशन होगा महाप्रलय तो प्रलय के बाद भी तो बैलेंस ही हो गया सब हां फिर न सत है नासत है न ना तम है न रोशनी है फिर वही स्थिति आएगी और फिर उस स्थिति से रिक्रिएशन होगा जैसे पहली स्थिति थी रिक्रिएट होती है फिर उससे रिक्रिएशन होगा पृथु से पृथु राजा पृथु राम राम जी आज के विषय से संबंधित प्रश्न नहीं है आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो सत्व गुण वाले लोग होते हैं वो देव योनि के होते हैं रज गुण वाले मनुष्य योनि के होते हैं तो विषय से संबंधित नहीं मैं ये जानना चाह रही थी कि गण और योनि में क्या अंतर है और जो कुंडली में योनि होता है जो लिखा होता है कि देव गण है गण है राक्षस गण है या किसी की सर्प योनि है या कोई तो ये कैसे रिलेट कर रहा है इन सारी चीज़ों से देखिए त्रिगुण होते हैं पहले तो त्रिगुण हो गया त्रिगुण को दर्शाने वाली त्रिनाड़ी हो गई एक नाड़ी बात बताती है दूसरी पित्त बताती है तीसरी कफ बताती है ये तीन प्रकार की नाड़ियां हैं तीन प्रकार के गुण हैं तम जिनके आधार पर यह जन्म प्राप्त होता है तो जो देता है वह देव योनि है यानी श्रेष्ठतम पुरुष मैनेज करता है, पर लेकिन उसके अंदर रज तामसिक प्रवृत्ति के हैं वह राक्षस योनि के हो गए ठीक है तो ये इनका इस प्रकार से कैटेगराइजेशन होता है अब आती है योनिया योनियों के बारे में सबको पता ही है कितनी योनिया है चौरासी लाख तो चौरासी लाख योनियों को एनग्रुप किया गया है ग्रुप में बांट दिया गया है और वो ग्रुप जो है वो वहां पर लिखा जाता है कि आप इस योनि से संबद्ध है यानी आपके अंदर ये प्रवृत्ति है ये योनि मतलब ये प्रवृत्ति है अब ये तो वो चीज हो गई जो लिखित है उसके बाद आप श्रेष्ठ कर्म करते हुए इस सब से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो ये योनि होती है, है। योनि तो वो हो गई मनुष्य ये जो क्या कहते हैं हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जिसमें सबसे अच्छी स्थिति में मनुष्य है मनुष्य भी एक एनिमल है इसी प्रकार से ग्रुप्स ऑफ एनिमल हो गए देव मनुष्य राक्षस गण हो गया यानी स्वभाव गण स्वभाव नाड़ी तीन चीजें हो गई ना नाड़ी यानी पित कफ उसके बाद गण स्वभाव और उसके बाद ये आ गई योनिया जो चौरासी लाख है उसको इन ग्रुप किया इन्होंने तीन कैटेगरीज में बांट दिया और वो तीन कैटेगरीज के, के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होती है हम उस जैसा व्यवहार करने लग, लग सकते हैं और अगर वह अच्छा नहीं है तो हम उसे उठने का प्रयत्न करें ये। राम राम गुरु जी शुभम श्रीवास्तव जी पूछते हाँ बोले बने गुरु जी हम जैसे अपने बड़ा से सुनते आए हैं कि भैया अपना दादा दादी नाना नानी जी का नाम नहीं लेना तो हम अपने भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी का नाम क्यों लेते हैं हम तो लेते हैं दादा दादी नाना उनका नाम लिए बिना हमें कैसे पता चले जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपको नाम नहीं लेना ये मतलब अपने नहीं, नहीं जरूर उनके मुंह पे हम ये नहीं कहते हाँ भाई <laughs> वो एक अलग बात है वो तहजीब की वजह से नहीं कहते उनको रिश्ते के नाम से संबोधित करते हैं लेकिन भगवान से तो भक्त का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते से वो उनका नाम ले लेता है और सारे नाम लेते हैं ये आवश्यक नहीं है अलग अलग विश्लेषण भी होते अलग अलग विशेषण भी होते हैं तो उस वो भी हम नाम लेते हैं फिर विशेषण भी लगाते हैं जैसे परंतप कह रहे हैं कभी वो भारत हम कह रहे हैं उन्हें कभी श्री अर्जुन कह रहे हैं कभी इस तरीके से शुभम शुभम श्रीवास्तव जी पूछते हैं गुरु महाराज जी द्वारा बताए हुए भीतर की अनासक्ति के चार चरण क्या हैं मनुष्य चार चरणों से गुजरता है पहला बद्ध बंधा हुआ है किससे बंधा हुआ है अपनी ही विचार शक्ति से उसके विचार ही सबसे बड़ा किसी भी मनुष्य का उसका अपना विचार ही सबसे बड़ा बंधन है बद के बाद क्या हुआ मुमुक्षु मोक्ष की कामना वाला मुमुक्षु मुमुक्षु के बाद मुक्त यानी मोक्ष की कामना ये लोग ये मान के चलते हैं कि जो मनुष्य चाहता है वो कर भी रहा है <laughs> इसलिए ये उसमें जो है ना सेमी कॉलन्स नहीं लगाते हैं मुमुक्षु है तो इसका मतलब मुक्त हो गई ऐसा इन्हें थोड़ी पता हम जैसे मनुष्य भी आएंगे जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ तो वो मुमुक्षु की अगली मुमुक्षु के अगला चरण है मुक्त मुक्त का भी एक अगला चरण है नित्य तो ये चार चरण से कोई भी मनुष्य अपनी यात्रा पूर्ण करता है बहुत सारे बद्ध ही चले जाते हैं ज्यादातर तो बद्ध ही रहते हैं अपनी विचार शक्ति के परे जाते ही नहीं जो सोच लिया उसी को सही सिद्ध करने पे लगते हैं जो श्री कृष्ण ने अभी रिफ्यूट किया था इसे ही तो दम्भा चरण कहते हैं श्री कृष्ण दम जो मैं सोच रहा हूं वही फाइनल है ईगोस ऐसा नहीं है एक वैज्ञानिक जो असली वैज्ञानिक होगा वो कभी नहीं कहेगा जो असली फिलोसफर होगा वो कभी नहीं वो ये तो जरूर कहेगा कि ये मेरी सोच का ये ये तर्क है लेकिन ये कभी नहीं कहेगा ये अंतिम है भगवान नहीं कह रहे तो दंभाचरण है ये मनुष्य का यह नीच कर्म है ये तमोगुणी मनुष्य है तो ज्यादातर तो ऐसे ही निकल लेते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ परसेंट लोग जो श्री कृष्ण में भी श्री कृष्ण ने भी आ, चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुमुक्षु होते हैं यानी जिनके अंदर वास्तव में मोक्ष की कामना होती है उसमें से कुछ लोग होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं और उसमें से बहुत थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो नित्य हो जाते हैं क्योंकि जो नित्य हो जाता है वो स्वरूप तो 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 हो जाता है मनुष्य तो अपने ही विचारों बना रहता है अपने साथ दूसरों को भी बांधने की कोशिश करता है और इसीलिए आजकल रिश्ते चरमरा रहे हैं ईगोस बहुत हाई है हम विचार के साथ समन्वय नहीं करते डर के मारे अपने विचार बदल लेते हैं वो तो एक अलग बात है लेकिन समन्वय नहीं है और इसीलिए हम छोटी छोटी बात पर सोशल मीडिया में भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तर्कहीन विवेचनाहीन बात करने लगते हैं घरों में भी इस प्रकार होता है जहां हम बैठते हैं वहां ऐसी ही बातें करने शुरू कर देते हैं जिसको वो कहते हैं तब जिसमें मनुष्य ईर्ष्यावश निंदा करता है कांक्षा पूछ रहे हैं पूछ रही हैं राम राम गुरु जी क्या भीतर से अनाशक्ति अभ्यास से आती है हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो अनासक्ति ही पैदा हुए बहुत थोड़े से लोग होते हैं जैसे प्रोडिजीज होते हैं बड़े ब्रिलियंट सुपर डुपर ब्रिलियंट बच्चे पैदा होते हैं बड़ा रेयर होता है करोड़ों में एक आध कोई बाकी सभी लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है और इसी के लिए तो योग बना है प्रयत्न करना पड़ेगा अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना पड़ेगा निरोध हाँ शब्द आया है निरोध हाँ शब्द का मतलब खत्म करना ऐसे कूट देना नहीं है यानी तामसिक विचार को सात्विक विचार के साथ परिवर्तित कर देता तो उसके लिए अभ्यास करना पड़े जैसे मैंने आपको एक बार किस्सा सुनाया था मुनि जी और रसगुल्ले वाला तो ये वही वृत्ति का नाश कर रहे थे वो जो चीज पसंद है और नहीं खानी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या कठोर करते जाना इसमें याद रखिए श्री कृष्ण जो कहते हैं वो बात ही सत्य है वही बात मान के चल रहा है जबरदस्ती नहीं करनी है धीरे 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 ऐसी अवस्था लानी है कि भीतर से ही अनासक्ति उत्पन्न हो लेकिन ये प्रयत्न से होगी धीरे धीरे अदरवाइज नहीं होगी मनुष्य क्या है जन्म न जायते तो यास्क मुनि कहते हैं जन्म से सभी क्षुद्र भाव के होते हैं संस्कार द्विज फिर संस्कार आते हैं फिर द्विज होते हैं उत्वान होते हैं तो ये प्रयत्न करना पड़ता है ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति संस्कार प्राप्त कर लेगा यह संभव है बहुत प्रयत्न करना पड़ता है मुझे एक बार एक ऐसी दिमाग में युक्ति आई किसी ने पूछा था तो बहुत वर्ष पुरानी बात है मन विचलित होता है क्या करूं तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनका मन विचलित नहीं होता है तुम्हारा विचलन बंद हो जाएगा तो वो बोले तो व्यापार ठप हो जाएगा क्योंकि व्यापार में तो सारे वैसे ही लोग हैं तो मैंने उनसे कहा ये आपको निर्णय लेना है कि मन का विचलन समाप्त करना है या व्यापार समाप्त करना है सोचते रहे वो एक दिन दो दिन बोले विचलन समाप्त करना है तो मन का अपने ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए और आप देखिएगा कि विचलन भी समाप्त होगा और प्रभु कृपा से व्यापार भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि जब आपके मन का विचलन समाप्त होगा स्थित प्रज्ञ होगा तो आप ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो फिर ईश्वर आपका कल्याण स्वयं स्वयं करेंगे प्रभु ने मेरे शब्दों की लाज रखी और ऐसा ही हुआ उनके साथ वे एक ऐसे व्यापारी हुए जो देवतुल्य समझे गए तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता और बहुत प्रयत्न करना पड़ता बहुत प्रयत्न करना पड़ता कहीं भी आप रहे गंदगी हर जगह है जब हम कोयले की खान में सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं तो वो काले ना हो इसके लिए हम बहुत बच बच के चलते हैं ठीक इसी तरीके से ये जीवन है मोहित माथुर जी पूछते हैं पंच तत्वों में से चार को समझा जा सकता है लेकिन आकाश तत्व को कैसे समझा जाए शरीर में आकाश तत्व क्या होता है इन तत्वों की जेनरेशन साइकिल क्या है इन तत्वों की जेनरेशन साइकिल नहीं ये सब एक साथ उत्पन्न हुए और सब विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित है मन को आकाश तत्व तो कहते हैं जितना आकाश विशाल है उतना ही मन विशाल है जो ब्रह्मांड में आकाश है जो ना होते हुए भी है और है, होते हुए भी नहीं आकाश को आप छू थोड़ी सकते ठीक वैसे ही मन है मन बुद्धि ये है शरीर में ही लेकिन कहा है पता नहीं तो होते हुए भी है नहीं है और नहीं होते हुए भी है तो जिसे आप छू नहीं सकते फील कर सकते हैं चाय का मन नहीं है मिठाई का मन है ये कौन सा मन है जो है पर दिखता नहीं होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमको गवर्न करता है ठीक इसी तरीके से आकाश यहां से नीला दिखाई देता है ऊपर जाओ तो काला दिखाई देता है उसे आप छू नहीं सकते उसमें चल सकते हैं उसमें आप अपना पूरा रॉकेट लेके चले जाइए लेकिन उसे छू नहीं सकते उसमें विचरण कर सकते हैं तो आकाश तत्व तो ही ये मन है आनंद रहा अगली बार चौथवें अध्याय का अध्ययन करेंगे और जो जो हम पढ़ते जाए वो वह समाहित होता जाए हमारे मन में इसी प्रभु से कामना करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे प्रभु का जिनकी कृपा से हम सब लोग बैठ सके और वार्तालाप कर सके धन्यवाद कौन कराएगा हेमानसी दीदी करेगी हे ईश्वर आपकी कृपा मुझ पर, पर बरस रही है बरस आप, मुझे आप मुझे शक्ति दीजिए आप, आप मुझे भक्ति दीजिए जिससे, जिससे मैं आपके कार्य कर सकूं मदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 महाराज कृपा करें आप सब लोगों को